हर भारतीय ग्राहक गाड़ी खरीदना चाहता है। टाटा मोटर्स भी अपनी नई गाड़ियों के सेगमेंट में एक भारतीय ग्राहकों के लिए नई कार को एड ऑन करने वाली है। जी हाँ, हाल ही में खबर निकलकर सामने आ रही है कि टाटा मोटर्स प्लान कर रही है अपने भारतीय ग्राहकों और मिडिल रेंज वाले ग्राहकों के लिए नई कार टाटा नैनो के लॉन्च के बारे में। हम बात कर रहे हैं देश के नंबर वन भारतीयों की फेवरेट कार टाटा नैनो के रीलॉन्च के बारे में, जो कि अब भारतीय सड़कों पर फिर से लॉन्च करे जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, कंपनी इस गाड़ी को वही पुरानी कीमत के साथ मगर एक नए नाम में और नए अंदाज के साथ लॉन्च करेगी। इस बार की टाटा नैनो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए में लॉन्च करी जाएगी, जिसे कंपनी के सबसे न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। गाड़ी को दो नए वेरिएंट में लॉन्च करा जाएगा। पहला तो टाटा नैनो सीएनजी और टाटा नैनो इलेक्ट्रिक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारत में लॉन्च होते ही तहलका मचाने वाले हैं। फिलहाल तो अभी गाड़ी अपने टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि गाड़ी लॉन्च कब तक हो पाती है। खबरों के मुताबिक गाड़ी का लॉन्च इस साल के अंत तक या तो कंपनी पूर्ण रूप से नए साल पर कर देगी। अभी ऑफिशियल कोई डिटेल सामने नहीं आई है, मगर हम आपको डिटेल्स के बारे में कुछ बताएं तो टाटा नैनो माइक्रो एसयूवी के फील में आपको इस बार ही देखने को मिलेगी। गाड़ी के फ्रंट में आपको नए प्रोजेक्टर हेडलाइट यूनिट्स, डे टाइम डीरेल्स के साथ टाटा का नया क्रोम लोगो, ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल और एक स्पोर्टी और प्रीमियम फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। रेयर साइड पे आपको एल शेप कनेक्टेड टेल लाइट्स और टाटा नैनो की बड़ी सी क्रोम बैजिंग देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल में आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स और 14 से 15 इंच की क्रोम प्रोफाइल के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि साइज में बड़े हो चुके हैं। गाड़ी का साइज भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, जिसमें आपको स्लीक डिजाइन, डुअल टोन कलर ऑप्शंस और एक क्रॉसओवर कॉम्पैक्ट लुक देखने को मिलेगा, जो कि रोड पे चलते हुए इस बार भारतीय ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आएगा और गाड़ियों के मुकाबले। ये गाड़ी अपने न्यू इंटीरियर फीचर्स के साथ आएगी, जिसमें आपको 5 से 6 सीटर इंटीरियर देखने को मिल सकता है। साइज बड़ा होने के कारण गाड़ी में स्पेस भी अच्छा खासा हो गया है। इस बार की टाटा नैनो स्पेशियस डुअल टोन लेदर फिनिश, ऑटोमेटिक सीट बेल्ट रिमाइंडर, वेंटिलेटेड सीट्स और एडजस्टेबल सीट बेल्ट ऑप्शंस के साथ आएगी। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी, एयर प्यूरिफायर, हरमन के साउंड सराउंड स्पीकर्स, टाटा का न्यू एलईडी लोगो वाला पावर स्टीयरिंग व्हील और टाटा का 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि 10 प्लस कनेक्टेड कार फीचर से फुल्ली लोडेड है। इसके अलावा गाड़ी में आपको सेफ्टी वाइज तो शानदार 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 4 एयरबैग्स, 2 पार्किंग कैमरा, एडास, ईबीडी, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, कीलेस एंट्री और कई सारे हाईटेक इंटीरियर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अंत में अगर गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टाटा नैनो न्यू मॉडल कंपनी के दो वेरिएंट में लॉन्च करी जाएगी। पहला तो 1.1 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड सीएनजी इंजन बताया जा रहा है, जो कि 90 bhp की पावर और 130 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकेगा। गाड़ी में आपको अच्छा खासा माइलेज सीएनजी वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो कि 25 से 30 kmpl तक आप अनुमान लगा सकते हैं। वहीं गाड़ी का दूसरा वेरिएंट रहेगा टाटा नैनो ईवी। इसमें आपको शानदार बैटरी पैक तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही में ये गाड़ी आधे से एक घंटे में फुल फास्ट चार्ज होकर आपको तकरीबन 200 से 150 किलोमीटर तक की रेंज आराम से भारतीय सड़कों पर दे सकती है। अभी गाड़ी अपने फाइनल टेस्टिंग फेस में है और देखने वाली बात होगी कि कंपनी इसको कब तक भारतीय सड़कों पर उतारती है। ये गाड़ी लॉन्च होते ही भारतीयों की पहली पसंद बनने वाली है। तो आपको ये टाटा नैनो का नया कॉन्सेप्ट मॉडल कैसा लगा, आप अपनी राय अपनी जगह के नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और टाटा लवर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।